और ये अकेली लड़की और इसके हाथ में था महंगा फोन, एक काम करता हूँ छीन लेता हूँ। अरे लगता है आदमी तो मेरा पीछा कर रहा है। बचाओ बचाओ। अरे कहाँ चले गए, कुछ भी हो पर आज को छोड़ूंगा नहीं। हे कान्हा जी, इस दुष्ट इंसान से मेरी रक्षा करिए। अच्छा तो यहाँ छुपी है तू। अरे कान्हा जी, छी दारू खत्म हो गई, अब दारू खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? ओह क्या करूं क्या करूं, एक काम करता हूँ, एक किलो उसके रास्ते में लगा देता हूँ जिससे उसका साइकिल पंचर हो जाएगा और गिर जाएगा और सारा पैसा लेके मैं भाग जाऊंगा। एक्सीडेंट हो गया। हाँ इतने सारे पैसे तो मैं बहुत दारू पीऊंगा। आज तो मैं अंग्रेजी शराब जी भर के पीऊंगा। एक काम करता हूँ, अब घर चलता हूँ। मैं चलते चलते बहुत थक गई। प्रभु श्री राम जी का मंदिर और कितनी दूर है वो। अरे भैया मैं उनसे पूछ लेती हूँ। भैया मैं बहुत दूर से पैदल चल के आ रहा हूँ, क्या आपको पता है प्रभु श्री राम जी का मंदिर कहाँ है? बढ़िया श्री राम जी की भक्त, मैं इसे गलत रास्ता बताता हूँ मजा आ जाएगा। अरे भैया क्या सोच रहे हैं बताइए ना। कुछ नहीं, आगे जाके लेफ्ट हो जाइए। ठीक है भैया। लगता है उन भैया ने मेरे को गलत रास्ता बता दिया, अब मैं क्या करूँ? मुझे बहुत तेज की प्यास भी लग रही है। एक काम करते थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। हे श्री राम जी, अब आप ही मुझे सही रास्ता बताइए। सुनिए, आपको प्यास लगी थी ना, ये लीजिए पानी पी लीजिए। आपको मैं दर्शन करने के लिए इतनी दूर आने की जरूरत नहीं है, मैं तो कड़कड़ में वास करता हूँ। अरे वो लड़की कहाँ गई? अरे प्रभु श्री राम जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अरे इतना बड़ा सा भी तो मेरी बेटी को मार डालेगा, क्या करूँ? श्री राम जी को मंदिर जल्दी हूँ। हे श्री राम जी, सैतानी सब मेरी बेटी को पीछे पड़ा है, उसे काट लेगा, उसकी रक्षा करिए प्रभु। अरे बिटिया जल्दी स्कूल चलो, नहीं लेट हो जाएगी, मैडम बहुत मार मारेंगी। ठीक है पापा। अरे बेटा जल्दी चल। पापा वो देखिए बॉल में जा रही हूँ लेने। बेटा रास्ते में पड़े ऐसे जिसको हाथ नहीं लगाते। नहीं पापा मुझे चाहिए। पापा बचाओ पापा। अरे ये सतानी बाल तो मेरी बेटी का आसमान लेगा, अब मैं क्या करूँ? एक काम करता हूँ श्री राम जी के मंदिर चलता हूँ। हे श्री राम जी, एक सतानी बाल ने मेरी बेटी का आसमान लेगा, उसकी रक्षा कीजिए प्रभु। क्या जय श्री राम। ये पूर्वी इतना धूप में नीचे क्या करे, चल के देखती हूँ। पूर्वी पूर्वी इतना धूप में तू बाहर क्या करे, बीमार पड़ जाएगी तो दवा कौन कराएगा? माँ वो ओ क्या करे, एक चिटा लगाऊंगी ना दिमाग से होगा, चल घर चुपचाप। माँ मेरी बात तो सुनिए, मैं तो बस बच्चों को खाना और पानी देने आई थी। माँ हम लोग को भूख और प्यास लगती है तो हम लोग खुद से निकल के खा लेते हैं या तो किसी से मांग लेते हैं।
निखिल मैं इस विद्वान पक्षियों का कह ना तो ये बोल सकते हैं ना तो किसी से मांग सकते हैं। इसलिए इस घर में हमारा फर्ज बनता है कि अपने अपने छतों पे हम लोग खाना और पानी रखें। तो माँ क्या मैंने गलत किया? बेटा मुझे माफ कर दो, आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपने बिल्कुल सही किया है बेटा। आज से हम दोनों लोग मिलके पक्षियों के लिए खाना और पानी रखेंगे।